यूपी के हाथरस में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया है। सिकंदराराव थाना क्षेत्र के गांव फुलरई में आयोजित भोले बाबा के सत्संग में आज भगदड़ मच गई, जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत 100 से ज्यादा लोगों के मरने की सूचना मिल रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दिए हैं, पर अब हम जो वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं उससे आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अगर मेडिकल सुविधा होती तो हादसा इतना बड़ा नहीं होता। दो घंटा हो गए जिंदा है इनके पास, पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कांड हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एक रोड शो बंद था, जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। 100-150 चले गए इसमें, जब कितने लोग मौत हो चुके हैं, सब 100-150 आदमी चले गए, यहाँ से 200 के लंबे चले गए और यहाँ तक कोई लाइट नहीं, ओनली एक डॉक्टर थे, बाकी के कोई नहीं, उनको आगे को सप्लाई नहीं कर रहे, उनको नहीं अभी तक कोई दे पा रहे, तो क्या करेंगे? हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, हमने कैच कैच के लाया, इनमें सांस चल रही है, जान है वो नहीं खत्म हो रही है, ना डरो ना मंत्री एसपी कोई नहीं है यहाँ पर, डॉक्टर नहीं है, नहीं कोई ऑक्सीजन है, कोई ड्रिप लगा रहे, कोई सीरियस होगा उसमें ड्रिप लगा दे तो भी बचाएगा। लगभग कितने लोगों की मौत हो चुकी है यहाँ पर? दो सौ डेढ़ घंटा हादसे को हो गया, अभी क्या कोई सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, न कोई सीनियर डॉक्टर यहाँ पे, सीएमओ साहब अभी तक आए नहीं है, 200 मौतें लगभग हो चुकी हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रेफर करने वाला नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।